प्रायोजक बैलकोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। टोक्यो में पैरालंपिक की हुई रंगारंग शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी ने तालियां बजाकर बढ़ाया 54 भारतीय खिलाड़ियों का हौसला। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कलश यात्रा निकालेगी बीजेपी, सूत्रों से खबर, संघ और बीजेपी के नेता कलश यात्रा पर कर रहे हैं मंथन। अब यूपी में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने सीएम योगी से की मुलाकात, डिफेंस कॉरिडोर में मांगी 200 एकड़ जमीन। 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 28% महंगाई भत्ते को दी मंजूरी, 1 जुलाई 2021 से बढ़ी दरें होंगी लागू। राष्ट्रपति के दौरे से पहले सीएम योगी पहुंचे गोरखपुर, तैयारियों की हुई समीक्षा, 28 अगस्त को गोरखपुर आ रहे हैं महामहिम रामनाथ कोविंद। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन की तैयारियां हुई तेज, स्पेशल थीम सॉन्ग से किया जाएगा राष्ट्रपति का स्वागत। पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने पर शुरू हुआ सियासी संग्राम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव की नैतिकता पर उठाए सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर की निंदा। उत्तर प्रदेश में अब मिर्जापुर का नाम बदलने की उठी मांग, विंध्याचल धाम की पहचान के आधार पर नाम बदलने की उठी मांग, लोगों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को सौंपा पत्र। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी, थोड़ी ही देर में पेश होगा अनुपूरक बजट, सदन के पटल पर रखे गए 6 विधेयक। भगवान के नाम पर गरमाई उत्तराखंड की सियासत, गणेश गोदियाल को भगवान गणेश के रूप में दिखाने पर बीजेपी ने हरीश रावत को घेरा। सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक महेश जीना का वीडियो हो रहा वायरल, महिलाओं के अपमान का लगा आरोप। हल्द्वानी जोलीकोट अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर भूस्खलन होने से रास्ता हुआ बंद, राहत कार्य में जुटी एसटीआरएफ की टीम। बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती की हुई मौत, सुप्रीम कोर्ट के बाहर दोस्त के साथ लगाई थी आग। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली बड़ी राहत, पैन कार्ड गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। लखनऊ में विधानसभा के सामने युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बचाया, खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों पर लगाया गबन का आरोप। कानपुर में गुमशुदगी मामले में लापरवाही बरतने पर हुआ एक्शन, चकेरी थाना अध्यक्ष को किया गया लाइन हाजिर, जाजमऊ चौकी इंचार्ज निलंबित।